ओके गाइस, सो दिस इज हितेश त्रिपाठी एंड दिस इज एडिटोरियल वीडियो ऑफ क्वेश्चन बी, बबूनी प्लेस चेस. ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज ऑब्वियसली ब्रूट फोर्स, बट थोड़ा एक लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट सी जो रही है, नहीं पढ़ी होगी उसको, टाइम लग गया होगा मेरे जैसे. ठीक है, तो मुझे ये लाइन फर्स्ट टाइम पे नहीं दिखी थी तो इसके बिना थोड़ा क्वेश्चन टफ लग रहा था मुझे. ठीक है, तो देखते हैं. बिफोर दिस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस क्वेश्चन चैनल, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल. आई पोस्ट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड वेब डी रिलेटेड वीडियोज. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग इज, वी आर हैविंग अ एन क्रॉस एम एरे. ठीक है, 2D एरे. तो उसमें क्या है, हम एक SX SY शेल में हैं. ठीक है, एंड वी हैव टू ट्रैवर्स होल एरे सच दैट ईच सेल वी हैव ऑलरेडी विजिटेड, वी विल नॉट विजिट इट ट्वाइस. तो हम किसी भी सेल को दोबारा विजिट नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमें पूरी एरे को ट्रैवर्स करना है एंड हम किसी भी सेल को दोबारा विजिट नहीं कर सकते. ओके फाइन. नाउ वन नोट इज देयर दैट सेल्स ऑन द पाथ बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इन योर रूट आर नॉट काउंटेड एज विजिटेड. ओके, दिस मीन्स इफ देयर इज अ पाथ यू हैव टेकन, लाइक एक 4x4 मैट्रिक्स है. ठीक है, 4x4 मैट्रिक्स है. आप अगर 4x4 से 4x1 पे जा रहे हो, आपने अगर ये पाथ लिया है, ठीक है, देन आपने ये और ये सेल विजिट नहीं किए. ठीक है, तो आप इन सेल्स को दोबारा विजिट कर सकते हो. ठीक है, और इन सेल्स को आपको दोबारा विजिट करना पड़ेगा. अभी आपने इस पे खाली ये दोनों सेल्स विजिट किए. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. अब लेट सपोज वी आर इन द सेल, वी आर इन दिस सेल. ओके, इससे क्या होगा, अब नॉर्मल सपात हम क्या लेते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इट कैन हैव मैनी वेज. ओके, सो मैंने क्या किया इसमें, मैं गया 1 2. ओके, दोनों विजिट कर लिए. देन सेकेंडली वी विल विजिट 3 दिस सेल. ओके, सो फर्स्टली वी विल कवर होल रो 1 2 3. नाउ दिस रो इज कवर्ड. ओके, नाउ वी विल गो टू अपर सेल 4, नाउ 5, नाउ 6, नाउ 7, देन 8, देन 9, देन 10, देन 11, देन 12, 13, 14 एंड 15. सो इन दिस वे आई हैव वेस्टेड होल एरे. ओके, इसके और भी वेज हो सकते हैं, लाइक आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, लेट मी शो यू. ये रहे, लेट सपोज आप यहाँ पे हो. ठीक है, देन हाउ कैन विजिट इज 1 2 3. ओके, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, तो ईच ट्रैवर्सल इन अ कॉलम में आप जो रो आपके पास आपकी इनिशियल रो थी उसको छोड़ के आप कॉलम में ट्रैवर्स कर सकते हो. ओके, सो इतना ही था इस क्वेश्चन में, ब्रूट फोर्स तो था ही. मेन लाइन क्या थी, ये वाली लाइन. अगर ये वाली लाइन आपने पढ़ ली कि अगर आप दो शेल्स जो आपके रूट में, आप एडजेसेंट सेल्स में जा रहे हो, तो जो बीच में शेल्स आएंगे वो विजिटेड काउंट नहीं होंगे. ठीक है, सो मेन लाइन ये थी. सो थैंक यू, इसका कोड दिखा देता हूँ आपको. ठीक है, कोड इज हेयर, ब्रूट फोर्स कोड था. मैंने अपना सॉल्यूशन बता दिया कि मैंने ऐसे किया, पहले मैंने सेम रो को ट्रैवर्स किया. सेम रो को कैसे, राइट में गया, राइट में एन तक गया. ठीक है, एन तक गया और पूरा ट्रैवर्स किया, शेल का IJ देता गया. देन उसके मेन शेल के जस्ट लेफ्ट से शुरू किया और 0 तक गया. ठीक है, उसका IJ आउटपुट देता गया. देन ऊपर गया,
ऊपर से पूरा कॉलम दिया, पूरे कॉलम पूरे रोज ट्रेवर्स करता चला गया, देन अपनी मेन रो के जस्ट नीचे वाली रो में आया और पूरा ट्रेवर्स करता चला गया, ठीक है? तो आप कुछ ऐसे चलोगे, लेट सपोज दिस इज योर मेन शेल, ऐसे ऐसे आप ये करते जाओगे, ठीक है? जितनी भी आपकी मेन रो के ऊपर जितनी रो होंगी, लेट सपोज यहाँ पे आप ख़त्म हुए, अब आप नीचे आओगे, देन आप ऐसे चलते रहोगे, ठीक है? तो इसका कोड आप देख लो, क्या ही समझाओगे इसमें, मैंने थोड़ा सा ऑब्वियसली बड़ा लिखा है, बट आप इसको छोटा कर सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का एडिटोरियल भी पोस्ट कर रहा हूँ, टिल देन सब्सक्राइब दिस चैनल।